दोस्तों, तो मेरे पास है आपके लिए अप्रैल 2017 का पेपर। अप्रैल 2017 का पेपर मैं आपके लिए इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। एंड सॉरी मैंने वीडियो लेट बनाया। तो अपना बैंक करके ये है, तो अभी ये जो क्वेश्चन 2 दिख रहा है ना आपको, इस क्वेश्चन 2 के लिए ही आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन 2 3 साल के पेपर दिखा, तीन क्यों फोर फोर ईयर के पेपर आपको मैं दिखा रही हूँ। तो आप इन 4 ईयर के पेपर को देखिए। तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट रिसीव ऑन टर्म लोन, पेनल इंटरेस्ट, तो ये जो दिया है ना, आप पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इट मीन्स कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे 12 से ज़्यादा एंट्री रहती है, अगर यहाँ पे 12 से ज़्यादा हम एंट्रीज करके, जैसे अगर यहाँ पे 14 दिया, राइट, 14 मतलब पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, तो 14 जो दिए हैं, तो अगर आफ्टर 12 मतलब 12 से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 50% है ना, ये देखो सॉल्यूशन। आप अगर 12 से ज़्यादा है तो आपको ना डायरेक्ट जैसा दिया है आपको वैसा ही सेम एज इट इज़ लिखना है, और आपको मतलब टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है तो आप चूज़ करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप, ये तो 17 का पेपर मैंने आपको दिखाया, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे होंगे यहाँ पे 12 है, राइट, यहाँ पे 12 इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर 8 भी रहता तब भी आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशंस में अगर आपको 12 दिया है इंफॉर्मेशन, तो आपको हमेशा सर्विस टैक्स 50% ऑन टैक्सेबल सर्विस, आपको ऐसा शो करना पड़ेगा 15% ऑफ टैक्सेबल सर्विस। हर एक इसमें आपका जो टोटल अमाउंट आएगा ना, वो 8 लाख, जैसे 90,000, इसका 15% करोगे तो 8 लाख 90,000, हमेशा ऑलवेज 15% आपको करना ही करना है, तो आपको हमेशा मतलब इतना करना ही होगा। एंड बस, तो यही इंफॉर्मेशन थी कि अगर यहाँ पे 12 आता है या फिर 12 से कम है तो आपको 15% करना है। अगर 12 से ज़्यादा, जैसे कि 14% 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है तो आपको 15% लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक ट्रिक है एज ए, और इसमें एक इस क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपको सपोज यहाँ पे चार्जेस दिखा हुआ है, लिखा है ना चार्जेस, एंड यहाँ पे भी चार्जेस दिया है, तो यहाँ पे सेल्स, देखिए अगर मैं आपको एक कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं देना चाहती हूँ, जैसे कि टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल का, तो अगर सम में आपको कहीं पे भी चार्जेस नज़र आता है, जैसे कि ऐसे सम में अभी यहाँ पे चार्जेस नज़र आ गया, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ टैक्सेबल है किधर नॉन टैक्सेबल है, राइट, तो आपको यहाँ पे चार्जेस चार्जेस है ना, तो टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल में क्या क्या जाएगा, तो चार्जेस जाएगा, फीस जाएगा, कमीशन जाएगा, तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिखता है तो डायरेक्ट आप टैक्सेबल कर दो। दैन इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड, ओनली क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रहेगा, बाकी का नहीं बोले, ओनली क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रहेगा, अगर आपको सम में दिखता है कहीं पे इंटरेस्ट लिखा हुआ और क्रेडिट कार्ड, तो डायरेक्ट आप टैक्सेबल कर दो। देन जितने भी इंटेंजिबल एसेट है सब आपका टैक्सेबल होगा, बट यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट में सब तो आपका होगा ही, लेकिन इसमें से एक कौन सा था मैंने देखा था, खैर हम हाँ, यहाँ पे जितना भी है सब टैक्सेबल होगा, बट अगर कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट, राइट, बट कॉपीराइट ना आपका हमेशा नॉन टैक्सेबल में आएगा। एंड टेम्पररी पीरियड, जैसे कि कहीं सम में लिखा हुआ है टेम्पररी पीरियड ऐसा कुछ, तो वहाँ पे भी आपका टैक्सेबल आएगा, और न्यूज़पेपर वगैरह भी आता है तो टैक्सेबल, एंड मेन मेन
रेल मेट्रो और रेलवे वगैरह अगर ऐसा कुछ आता है तो वो भी टैक्सेबल होगा, हायर वगैरह अगर कुछ आता है तो वो भी टैक्सेबल, कॉमर्शियल पर्पज अगर से अगर कुछ आता है तो वो भी टैक्सेबल होता है। बाइंग एंड सेलिंग प्लेस मतलब ट्रेडिंग हो गया, तो जहाँ पे आप बाय और सेल करते हो, सेल करते हो या फिर बाय करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे आपका टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड ओनली टैक्सेबल होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी टैक्सेबल की जो कि आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपको सम में आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप टैक्सेबल लिखो कि नॉन टैक्सेबल, तो ये ट्रिक है, इससे इसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे टैक्सेबल लिखना है, कहाँ पे नॉन टैक्सेबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी नॉन टैक्सेबल में चलते हैं। इंटरेस्ट अगर आता है, विड्रॉ आता है, लेबर फार्म आता है, या फिर सेल ऑफ ग्रुप आता है, कोई भी एनिमल का मतलब ये सब जो आते हैं ना, ये नॉन टैक्सेबल हो गए। इंटरेस्ट, विड्रो, लेबर फार्म, सेल ऑफ ग्रुप, सेल किया ना कुछ तो वो टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। हाँ, और एक और बात इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि कोई भी एनिमल रहने दो, अगर ओनली सॉरी ओनली सिर्फ और सिर्फ हॉर्स को छोड़कर, घोड़े को छोड़कर जितने भी एनिमल हैं सब नॉन टैक्सेबल है, ओनली घोड़ा टैक्सेबल है, राइट? तो इतना याद रखना। देन स्पोर्ट्स हो गया, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आता है तो वो भी नॉन टैक्सेबल होगा। कल्टीवेशन, अगर कल्टीवेशन से कुछ रिलेटेड आता है वो भी नॉन टैक्सेबल होगा। वो आपके कुछ उसमें डिपेंड करता है, बट ऐसे हिंट बोल रही हूँ आपको। देन टेम्पररी कॉपीराइट, यहाँ पे कैसा है कि कॉपीराइट के दो टाइप है। अगर कॉपीराइट जैसे कि 1 महीने के लिए कॉपी कर लिया, हमेशा के लिए थोड़ी कर रहे, टेम्पररी है, शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहा है, तो उसका मतलब कम टाइम के लिए है, दैट्स वाई नॉन टैक्सेबल। अगर हमेशा के लिए कॉपीराइट है दैट तो फिर टैक्सेबल होगा, राइट? तो एक शॉर्टकट मेथड था इसका कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे होता है। और एक और बात बताना चाहूँगी कि आपको हमेशा नोट्स लिखना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इतना इजी है, तो मैं बता दूँ कि आपको नोट्स लिखना कंपलसरी है। आपको टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल जो भी है, आपको पता चल गया, आपने अमाउंट लिख दिया, बट इतना याद रखना कि यहाँ पे अगर आप नॉन टैक्सेबल में नील भी लिखोगे तो चलेगा, बट आप जो भी लिख रहे हो ना, तो आपको ऐसा नोट्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाली मेट्रो का दिया हुआ है नोट्स कि एग्जेप्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर मेट्रो मेट्रो रेलवे इज विदड्रॉ फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। ओके, तो बट यहाँ पे आपको सिर्फ मेट्रो दिया हुआ है, बट आपको ना ऐसे इस टाइप का ना, आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारा नहीं, मतलब जितना अभी 12 पॉइंट दिया है ना, तो कम से कम मिनिमम 12 पॉइंट का आपको नोट्स लिखना है। इसका नोट से क्या होता है कि नोट से एक आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप नोट्स कैसे लिखोगे, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चन में सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर हमेशा नॉन टैक्सेबल रहता है, तो मैंने यहाँ पे नील लिख दिया। वेयर हाउसिंग रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, अभी वेयर हाउसिंग रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल है, तो वेजिटेबल ऑयल रिफाइंड किया हुआ है ना वेयर हाउसिंग से, तो वो टैक्सेबल होगा, राइट? तो वो टैक्सेबल है। फिर मैं अभी मैंने ऐसा सेम एज इट क्वेश्चन, फिर टैक्सेबल है नहीं टैक्सेबल है मैंने फाइंड आउट कर लिया और लिख दिया। टोटल टैक्सेबल सर्विस भी मैंने लिख दिया। देन सर्विस टैक्सेबल, मैं यहाँ पे देखो 7 पॉइंट है, 7 है, अगर 12 के अंदर अंदर है तो मैं क्या करूँगी, 15% करूँगी, जो टैक्सेबल अमाउंट मेरा आया है उसका 15%, उसे सर्विस टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया। जब आपका ये हो जाएगा टोटल, फिर नोट्स आप लिखोगे इस तरह। तो नोट्स में पहला क्या था, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, तो आप सप्लाई ऑफ फार्म लेबर का लोड नोट्स कैसे लिखोगे, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर डिस्कवर इन नेगेटिव लिस्ट, हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट तो कर रहे हैं, ऑफ सर्विस अंडर सर्विस टैक्स डज नॉट लाइबल फॉर सर्विस, नॉट लाइबल फॉर सर्विस। तो इस तरह आपको नोट्स बनाना है। फिर जैसे वेयर हाउसिंग ऑफ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल टैक्सेबल है, तो वेयर हाउसिंग ऑफ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटी, देयरफॉर टैक्सेबल। सेल ऑफ वीट ऑन कमीशन बेसिस, इट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल। सो सिंस वीट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हैंस सर्विस प्रोवाइड फॉर सेल्स ऑन कमीशन बेसिस, सो इट इज अ
टेक्स्ट पेपर ऐसे, मतलब आपको लिखना है आपको ना, मतलब एक एक जैसे कि डेंसिंग ऑफ पेडी इन राइस मिल, अब डेंसिंग ऑफ पेडल इन राइस मिल तो आप कैसे लिखोगे, डेंसिंग ऑफ पेडी इन राइस मिल इज डन जॉब बेसिस एंड जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एग्जैक्ट ऑन सर्विस टैक्स, इस तरह आपको नोट्स लिखना है। आफ्टर दैट थोड़ा आप एक पेज में मतलब शॉर्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कंक्लूजन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कंपनी सिंस कंपनी हैज़ पेड सर्विस टैक्स ऑफ 3,18,000, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये अमाउंट, देन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड सो कॉसेस ऑफ थेयर सोल्ड एजम्पशन सो सर्विस वुल बी टैक्सेबल। तो इस तरह आपको पूरा मतलब आपको इस तरह नोट्स लिखना है, नोट्स आपको कंपलसरी लिखना है। और सॉरी मैंने आपको वीडियो लेट बनाया बिकॉज सम रीजन पे, पर मैंने आपको अभी बिफोर एग्ज़ाम मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल को जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड ये जो ये क्वेश्चंस है तो आप देख रहे होंगे पिछले ऑल पेपर्स का मैंने एनालाइज किया, तो मुझे फाइन पता चला कि जो मैंने वीडियोस में देखो आपको डाला हुआ है शेड्यूल वाला, बट शेड्यूल का मैंने शेड्यूल का सेकंड पार्ट प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसके सेकंड पार्ट में मैंने ऐसे वाले सम को डिस्कस किया है और फर्स्ट वाले में नहीं किया। और अगर आपको नहीं भी मिल रहा ना तो इतना ध्यान रखना कि आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न, सेल्स से सेल्स रिटर्न होता है, इतना याद रखो। फिर जो अभी ए का कितना 0% रहता है, आपको परसेंटेज दिया रहेगा बट और फिर भी अगर नहीं दिया तो इसलिए आप याद भी कर सकते हो, अभी ये याद ही हो गया रहेगा आई थिंक आपको। फिर तो इसका सम जो आप है ना, आपको हमेशा ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ऑलवेज सेम रहते हैं और इसी ऐसे ही टाइप के आते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको सॉल्यूशन जब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3 का, जैसे कि यहाँ पे देखो तो सेल्स सेल्स लिखोगे, फिर शेड्यूल ए बी सी जो भी है, फिर एक्सपोर्ट सेल्स और लेबर चार्जेस, ये नील होता है हमेशा, तो अमाउंट तो लिख दिया बट यहाँ पे नील करेंगे। फिर टैक्स कलेक्टेड टोटल आएगा तो टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, फिर परचेस ए बी सी ई, फिर ऑफिस फर्नीचर शेड्यूल ई, ऑफिस का लिया हम लोगों ने, फिर जो भी एसेट रहता है उसका 3% लेते हैं, तो 80,000 तो हमारा ऑलरेडी था, उसका 12% 12.50% किया तो 10,000 आ गया। देन रिडक्शन मतलब 80,000 का 3% किया तो 2,400 आ गया, इसको लेस किया तो इतना, फिर लेस लेस कर सकते हैं आप। और फिर इधर कंज्यूमेबल शेड्यूल सी, कंज्यूमेबल शेड्यूल सी दिया हुआ है तो सी का अमाउंट 20,000 है, एक कंज्यूमेबल शेड्यूल सी ये देख सकते हैं, कंज्यूमेबल शेड्यूल सी का 10,000 दिया है तो 10,000 आपका कंज्यूमेबल का 10,000 आ गया। और फिर यहाँ पे सी का 20,000 जो दिया था तो सी का 5%, 20,000 का 5% तो 1,000 आएगा। और यहाँ पे जो पैकिंग मटेरियल है उसका आप नहीं लोगे, राइट, यहाँ पे बोला हुआ है कि टैक्स नॉट चार्जेबल सेपरेटली इन बिल, दैट्स वाई यहाँ पे नील आएगा। फिर टोटल करोगे तो ये अमाउंट आएगी, फिर इसको इससे लेस करोगे तो ये आएगी, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ अलाउड, सेट ऑफ अलाउड। और फिर जो सेट ऑफ अलाउड आया, और हमें इंफॉर्मेशन में हमेशा दिया रहेगा क्या दिया रहेगा, ये देखो ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर मंथ 4,000, तो ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर अर्लियर 1,000 जो दिया है तो लेस सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर फ्रॉम अर्लियर 1 मंथ 4,000 लेस किया और इधर आपका वेट पेबल आ जाएगा। तो ये ना आपका कंपलसरी है, तो 3 साल के पेपर्स का प्लीज़ ये देख लो, क्योंकि ऐसे ही टाइप के आपको पूछेंगे, इजी मेथड वाला नहीं पूछा जाएगा। और एमवेट का तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही वीडियो बता दिया था, तो आप चाहिए तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो एमवेट का। एंड कंप्यूटेशन हो गया, और बाकी का आप शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर सकते हो, शॉर्ट नोट में आपको प्रीवियस ईयर के ही है तो सेल्स प्राइस इंटेक्स इनवॉइस क्या होता है, फिर उसका पूरा डिटेल्स में, तो शॉर्ट नोट तो 3 साल के आप कर लो, इट्स इनफ। तो ये सब इंफॉर्मेशन थे जो कि मुझे लगा कि आपको बताना कंपलसरी है। और गाइज की आप मैं बताना चाहूँगी कि और गाइज जैसे कि यहाँ पे
बहुत से लोगों ने सर्विस टैक्स का मेरे से पूछा है कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और बिफोर और आफ्टर वाला, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आए हैं। तो ये बिफोर आफ्टर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, बट मैं इस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म कर देती ताकि आपको इधर उधर देखना ना पड़े वीडियो। तो पहले पॉइंट ऑफ टैक्सेशन देखते हैं। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में क्या रहता है कि आपको ना डेट देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आपको देख रहा होगा एक कंडीशंस है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में क्या कंडीशन रहती है कि वेन अगर आपका विथ इन 30 डेज, जैसे कि जो कंप्लीट डेट है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताती हूँ। हाँ, आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, डेट ऑफ कंप्लीशन दिया है, इनवॉइस दिया है एंड डेट ऑफ विच पेमेंट रिसीव। तो यहाँ पे जो 10 जून 2017 है, ये आपका कंप्लीट डेट है, जिस दिन आपका सर्विस कंप्लीट हो रहा है। डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपका बिल इनवॉइस हो रहा है, और देन डेट पेमेंट, राइट। तो ये जो है, तो इस पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में क्या रहता है कि आपको डेट देखना है कि आपका जो कंप्लीट डेट है ना, अगर आपके इस कंप्लीट डेट से, जैसे कि इधर 10 जून को दिया, कंप्लीट हो गई है सर्विस, तो इसके पहले अगर 10 जून को ये होता है, तो विथ इन 30 डेज, मतलब कि ये 10 जून है और यहाँ पे अगर सपोज 30 डेज, मतलब 1 महीने होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 जून है, अपर सपोज जून 10 जुलाई होता तो ये 30 डेज हो जाता है, राइट। और या फिर विथ इन 30 डेज, ये तो 10 जून को है, मतलब ये विथ इन 30 डेज है, तो पहले आप इसको कंसिडर करोगे, राइट। तो ये वाला डेट देखोगे कि पहले कौन सा डेट आया, तो ये दिख रहा है। उसके बाद 5 जून को, मतलब कि पेमेंट आपका इनवॉइस से पहले हो रहा है, हाँ इनवॉइस से पहले हो रहा है ना, तो आपका जो इनवॉइस से पहले हो रहा है तो आप ये वाला डेट लोगे जो इनवॉइस से पहले होता है। पेमेंट आपका पहले कर दिया, बिल बाद में लिया, तो बिल पहले मिल रहा है नहीं, तो जो इनवॉइस बाद में मिल रहा है ना, तो जो ये 5 जून है, ये आपका डेट होगा, राइट। तो ये 5 जून आपका डेट हो गया। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले आप कॉलम बनाओगे डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव, नहीं, तीन कॉलम हो गए। तीन कॉलम होने के बाद देखो मैं आप मैंने कैसे बनाया है। ये देखो यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट सेम एज इट इज किया, बाद में यहाँ पे सेम एज इट इज मैंने किया, बस मैंने तीनों कॉलम सेम एज इट इज बनाए और बाद में उसके क्या बना दिया, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और रीजन, ऐसे कॉलम। अभी मैंने जैसे कि अभी ये वाले में सम में देख सकते हो, 10 अप्रैल को कंप्लीट हो रही है सर्विस, और डेट ऑफ इनवॉइस का भी हो रहा है 5 मई को, और यहाँ पे पेमेंट कमी हो रहा है 20 मई को। इट मीन्स कि इनवॉइस मई को हो रहा है 5 मई को और 10 अप्रैल को, तो विथ इन 30 डेज है ना, तो 5 तारीख है। अगर 10 में होता तो ये भी विथ इन 30 डेज, 11 में होता तो नहीं होता, विथ इन 30 डेज नहीं है तो, और यहाँ पे 20 में है, मतलब कि आपका ये डेट है ना, ये विथ इन 30 डेज भी है और बिफोर अर्लियर है, मतलब पेमेंट और इसका पहली कौन सी डेट है, बिफोर अर्लियर डेट कौन सी है, ये वाली। तो आप ये वाला डेट है ना, आप पॉइंट ऑफ टैक्सेशन डेट कंसीडर करोगे। तो आप रीजन में क्या लिखोगे कि सीन इनवॉइस रिसीव, ये विथ इन 30 डेज है, दोनों का विथ इन 30 डेज होना चाहिए, तो इनवॉइस विथ इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। अभी ये दोनों डेट में से कौन सा पहला डेट आ रहा है, तो ये डेट। तो इस तरह आपको रीजन लिखना है। फिर आपका पेमेंट का भी ऐसे ही आता है, तो आप पेमेंट का भी लिखोगे। फिर इसमें क्या रहता है कि अभी जैसे कि जो आया, अभी मैंने ये पहली कंडीशन बता दी। नेक्स्ट कंडीशन कि सपोज आपका पेमेंट आया है, मतलब पेमेंट पहले आ गया, जैसे कि यहाँ पे 10 जून, 25 जून, 30 जून, 10 जून, हाँ अब ये वाला ही सम देख लो। यहाँ पे 25 जून है और यहाँ पे 30 जून है, 10 जून से 30 जून, तो विथ इन 30 डेज है, यस ऑफ कोर्स विथ इन 30 डेज है, एक ही मंथ में आ रहा है ये डेट। बट यहाँ पे पेमेंट कभी 25 जून को हो रहा है, तो आप इन दोनों का कंपेयर करो, तो पहली डेट कौन सी आ रही है, 25 पहले आ रहा है ना,
तो आप 25 लोगे, तो इस तरह अभी आप पेमेंट को लोगे राइट, तो इस तरह आपका मतलब फिर आप रीज़न भी लिखोगे आपका कि क्या आया है, जैसे मैंने कॉलम पे बताया सेम एज इट इज़ लिखना है। फिर आफ्टर दैट एक और कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको सपोज हाँ ये वाला देखो, अभी यहाँ पे 10 अप्रैल को कंप्लीट हो रही है सर्विस, इनवॉइस 16 मई 2017 को है, पेमेंट 20 मई 2017 को है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि जो आपका पेमेंट है राइट, तो अब आप विद इन 30 डेज चेक करो, तो यहाँ पे 10 अप्रैल है, यहाँ पे 16 मई है, तो 13 डेज हो रहा है नहीं, अगर 10 में होता तो सर विद इन 30 डेज हो जाता, एक महीने के अंदर अंदर हो रहा है, बट यहाँ पे तो ज़्यादा हो रहा है ना, ये तो 16 में है, दैट्स वाई अगर 16 में है इसकी वजह से ये तो विद इन 30 डेज नहीं हो रहा, तो एक तो मिल गया ये नहीं आएगा, फिर ये दोनों का कंपेयर करो आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो 20 मई को है और हमारा तो इतना चाहिए, ये दोनों नहीं आ रहा, और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, तब जो आपका ये डेट ऑफ कंप्लीशन है ना आप इसी को यहाँ पे लिख दोगे, और रीज़न क्या रहेगा आपका, सिंस इनवॉइस इश्यू आफ्टर 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड प्लेसमेंट आल्सो रिसीव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो ये आप प्लेसमेंट लिख दोगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थी जो आपको पता होनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड किया। एमवेट का तो आपको आता ही है, इसका मैंने बता दिया। अभी आफ्टर, आफ्टर कैसे चूज करेंगे, तो गाइज यहाँ पे देखो आपको लिखा है सर्विस टैक्स ऑन 1 जून 2016 कितना था, 14.5, मतलब 1 जून 2016 के पहले और 1 जून तक कितना है 14.5, और 1 जून के बाद, 1 जून के बाद कितना हो रहा है 15%, इट मीन्स 15% है राइट, और अगर यहाँ पे सॉरी 10 मई 2016 को आपका डेट ऑफ कंप्लीशन है, डेट ऑफ इनवॉइस 8 जून को है और डेट ऑफ पेमेंट 5 जून को है, तो आप कैसे पहचानो कि इट्स बिफोर एंड आफ्टर, तो 1 जून, 1 जून है तो आपका यहाँ पे डेट कितना है मई को है, तो मई जून, तो मतलब ये जून मई का भी आता है, जून के पहले आता है राइट, बिफोर आता है ना, दैट्स वाई इट्स बिफोर होगा। फिर 8 जून 2016, अभी 1 जून से आगे का है, मतलब कि 1 जून के बाद आगे का है ना, आफ्टर ए 1 जून है, तो आफ्टर लिखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे 5th जून, 5th जून है तो ये क्या होगा, अभी 5 जून को है, तो 5 जून आफ्टर हुआ ना, 1 जून के बाद का है, तो बाद का जो रहेगा तो वो आफ्टर होगा, तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो डेट दी है उसके बिफोर कोई अगर डेट आता है, बिफोर मंथ का कुछ भी आता है दैट इज़ कॉल्ड बिफोर, और उसके बाद का जो आता है आफ्टर आता है उस दैट इज़ कॉल्ड आफ्टर। तो ऐसे में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेट है, तो आप कॉलम बनाओगे डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, फिर आप डेट ऑफ पेमेंट बनाओगे, उसके बाद आप रेट बनाओगे। देखो जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पे देखो आप, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ पेमेंट सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, एंड यहाँ पे इफेक्ट रेट दिया हुआ है। इफेक्ट रेट में क्या है, आपका कितना परसेंटेज है, न्यू रेट है कि ओल्ड रेट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, एंड देन आप रीजन लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे 25 मई 2016 को उसने कंप्लीट किया सर्विस, इनवॉइस किया 3 जून को, और डेट ऑफ पेमेंट हो रहा है 9 जून को, और आपको बोला है 1 जून से बिफोर जो रहेगा उसका 14.5% है, और 1 जून के आफ्टर रहेगा उसको 15% है, तो आप यहाँ पे देखो 25 मई है और यहाँ पे जून है, तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जून के पहले में आता है तो बिफोर हो गया ये डेट, देन 3 जून तो ये आफ्टर हो गया, देन ये 9 जून ये भी आफ्टर हो गया, तो जब भी कभी आपको क्वेश्चंस में आफ्टर दो बार दिया रहेगा, याद रखो आफ्टर दो बार दिया रहेगा इट मीन्स इट इज़ ए न्यू रेट, आपको न्यू रेट लेना, तो मैंने बताया था ना इफेक्टिव रेट, तो वहाँ पे आप 15% लिखोगे बिकॉज दैट इज़ ए न्यू रेट, ओके, और फिर आप रीज़न दोगे कि आपने क्यों किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे रीज़न लिखा था,
सिंस इनवॉइस, यहाँ पे मेरा न्यू रेट आ रहा है तो मैंने 15% लिखा न्यू रेट, दैट इज माई न्यू रेट. तो सिंस इनवॉइस इश्यू पेमेंट सर्विस आफ्टर 1 जून 2016 देयर फोर टैक्स रेट इज न्यू रेट, इस तरह आपको लिखना है. और अगर आपका ओल्ड रेट आता है तो क्या लिखोगे, सिंस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस बिफोर, बिफोर है ना, पहले आफ्टर था, अब बिफोर 1 जून है, दैट्स वाई इट इज इफेक्टिव रेट टैक्स इज 14.50. तो इस तरह आपको बिफोर और आफ्टर को पहचानना है और फिर आपको ऐसे लिखना है और इस तरह आपको लिखते जाना है. ओके, तो इस ये बिफोर आफ्टर हो गया एंड ये वाला हो गया. एक और रहता है जिसमें ये सर पॉइंट ऑफ सर्विस में रहता है, इसमें क्या रहता है कि जैसे कि ये तो मैंने उसका है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का है ये, और वेट गाइस गाइस वैसे तो ये क्वेश्चंस में आता नहीं है. 3 साल के पेपर्स का एनालाइज किया जाए तो अभी तक ये आया नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि होता क्या है. अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये देख रहे होंगे पेज नंबर 94 है मनन प्रकाशन की बुक में, तो अगर आपको ऐसा टाइप का आता है ना तो ये अपना हो जाता है 5th रूल, जो सर्विस टैक्स का 5वां रूल है ना वो होगा. परसेंटेज वाला जो मैंने आपको बताया न्यू रेट ओल्ड रेट वो आपका 4th रूल है, और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का जो डेट वाला है वो आपका 3rd रूल है. तो ये याद रखना एज ए, क्योंकि अगर फिलअप वगैरह में आ जाता है तो आप कर सकते हो. तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जो ये डेट दी है ना, आप इस डेट में आप एनालाइज करोगे कि जैसे आपने पहले किया था तो आपको जो अगर इस डेट के पहले है तो वो बिफोर होगा, और अगर आफ्टर है तो ये होगा. तो ये अगर जहाँ पे भी मतलब कि आपका बिफोर आफ्टर तो पता चल गया आपको, पर बिफोर कितना है, तो जो वो क्वेश्चन में आपको दिखा रही थी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिक्स टाइम टेबल सर्विस उसका रूल्स 5 है ये. तो इसमें क्या, ये वाले में क्या रहता है कि अगर आपका बिफोर आया लाइक इनवॉइस इशू और पेमेंट इशू दोनों अगर आपका बिफोर आता है सच अ बिकम टैक्सेबल, तो वो क्या होगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, ये दोनों बिफोर आ रहा है, इनवॉइस भी और पेमेंट भी दोनों बिफोर आ रहा है. बिफोर कैसे आएगा, अगर आपका ये जो 1 मई है और यहाँ पे अप्रैल है और यहाँ पे भी अप्रैल है, तो इट मीन्स कि दोनों बिफोर मंथ है ना इसके, तो दैट्स वाई इट्स बिफोर. अगर दोनों बिफोर आते हैं इट मीन्स आपका नॉन टैक्सेबल है. और अगर 24 अप्रैल को और यहाँ पे 24 ये भी आपका बिफोर है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन टैक्सेबल. अभी यहाँ पे आपका 25 अप्रैल है बिफोर हो जाएगा और यहाँ पे 1 लाख दिया हुआ है अब तो आप अमाउंट पहले आप तो ऐसे कॉलम बनाओगे, डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल एंड रीज़न. तो अमाउंट के प्लेस में आप अमाउंट लिखते जाओगे. तो अगर आपका जैसे सेम एज अमाउंट है तो आप यहाँ पे लिखोगे. अभी यहाँ पे देखो ये वाले में 25 अप्रैल 2017 को 60,000 अमाउंट है, ये भी बिफोर है और ये भी बिफोर है, यहाँ पे 1 लाख है. तो आप क्या लिखोगे, 60,000 यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका, कितना आएगा अमाउंट, यहाँ पे आपका आएगा 60,000 अमाउंट, और आप लिखोगे नॉन टैक्सेबल. जब भी आपका 2 बार बिफोर आता है इट मीन्स इट इज़ अ नॉन टैक्सेबल. और फिर आप रीज़न लिखोगे कि इट इज़ अ इनवॉइस इश्यू पेमेंट रिसीव बिफोर 1 मई 2017 देयरफॉर इट्स नॉन टैक्सेबल सर्विस एंड 40,000 इनवॉइस नॉट एट रिसीव टैक्स लाइबिलिटी बाय डिपेंड ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनविजिबल. तो इस तरह आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है करके. तो नॉन टैक्सेबल का आपको समझ में आगे रहेगा. और अगर नॉर्मली लिखना है तो सिंस इनवॉइस इश्यू पेमेंट रिसीव बिफोर 1 मई 2017 देयरफॉर इट इज़ अ नॉन टैक्सेबल. तो ये टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है, इसी तरह आपको लिखते जाना है. तो आई होप आपको समझ में आगे रहेगा कि कैसे करना है. तो आपको इस मेथड से आपका ये वाला समझ आएगा. देखा जाए तो मोस्टली ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आया नहीं है, आप देख सकते हो पिछले साल के पेपर तो वहाँ पे ऐसा आया तो नहीं है. सम हर बार पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और ये
आफ्टर वाला है ना, जो ओल्ड रेट न्यू रेट, बस यही पूछा है। पर फिर भी आपके लिए मैंने बता दिया कि नहीं तो हर बार दो ही आया है ये, और बाकी देखा जाए तो आया नहीं अभी तक। आई होप आपको अगर और एनी डाउट रिगार्डिंग रहता है अभी भी बिफोर एग्ज़ाम, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो ये बताया है, इससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे एंड अभी कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। और याद रखिएगा कि अगर शेड्यूल ई आता है तो उसका आपको तो इतना याद ही है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में प्रोवाइड किया हुआ है कि शेड्यूल ई आएगा तो 12.50%, शेड्यूल डी आता है तो 20%, और शेड्यूल सी आता है तो 5%, शेड्यूल बी आता है तो 1%, शेड्यूल ए आता है तो 0%, नील। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। और इतना ये भी याद रखिए कि जैसे कि अगर टैक्सेबल गुड परचेज बाय मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस ए टैक्स फ्री गुड, तो ये शेड्यूल ई का है, ए का है, सॉरी शेड्यूल ए का है, तो हमेशा 2% लगेगा इसका, याद रखना। और पैकिंग मटेरियल रिलेटेड टैक्स फ्री गुड्स, तो ये भी 2% लगेगा। और कोई भी फ्यूल या फिक्स एसेट वगैरह है तो उसका 3% लगता है, परचेज 3%, प्राइस ऑफ इक्विपमेंट फर्नीचर तो फिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बताना समझा कि आपको इन्फॉर्म कर दूँ करके। और 4% लगेगा आपका परचेस ऑफ प्राइस स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच एजेंट आउटसाइड, तो इसका 4% ट्रांसफर प्राइस शेड्यूल ई में भी, तो उसका भी 4%, ये एडजस्टमेंट में आपको बताने के लिए है। और रिडक्शन में 16.50 64% अंडर कंपोजिशन वैसे आता नहीं है, लेकिन आप एक बार याद रखिएगा। एंड आपको तो थ्योरी पता है, बुक के पीछे आपको मिल जाएगा। और जो हमारी ये कंडीशंस थी मैंने वीडियो में भी बताया, तो पहले आपको कंडीशंस और कैटेगरी लिखना है, हिज एंड इम्पोर्टर, फिर कंडीशन लिखना है, देन आपको सम करना है, उसके बाद कंक्लूजन में आपको एकदम अच्छे से बताना है कि इस जून को इस डेट को आपका ऐसा हुआ, इतने डेट को कंप्लीट हुआ, इतने डेट को क्यूमुलेट हुआ, इतना कंडीशन सेटिस्फाई, इतना नहीं हुआ, वो सब आपको लिखना है। तो इस तरह आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको हेल्प करने की। एनी अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, बिकॉज जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड आप लोग का थ्योरी कवर हो गया रहेगा, और नहीं हुआ भी रहेगा तो फिर भी ट्राई करिए, अभी भी वक्त है, आप कर सकते हो। एंड सबको वेरी गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड जितना हो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल को, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कसेस, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।